हेलो दोस्तों, ब्लडी टैग के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अलादीन के बारे में तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, सबका बहुत लोगों का तो फेवरेट कार्टून होगा, बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज देखे होंगे अलादीन के ऊपर। अलादीन एक ऐसा पात्र है, ऐसा किरदार है जिसे लोग चाहकर भी सदियों तक नहीं भुला सकते। अलादीन की स्टोरी एक किताब में लिखी गई है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अलादीन की स्टोरी है, कहानी है, वो काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वो स्टोरी फेक नहीं है। अलादीन के साथ साथ अलादीन की कहानी का एक और किरदार बहुत ज्यादा फेमस है, वो है जिन का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अलादीन का जो जिन था वो एक चिराग से निकलता था, और जैसे कि अलादीन की कहानी है वो बिल्कुल सच है, तो ऑब्वियसली जो चिराग और जिन की कहानी होगी वो भी सच ही होगी। माना ये जाता है कि जो अलादीन की कहानी थी वो 300 साल पुरानी कहानी है, और जो अलादीन था वो बगदाद का रहने वाला था। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ अलादीन बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और मेहनती लड़का था। अलादीन की जब 16 साल की उम्र हुई तो उसके अब्बू की मौत हो गई, और उसके अब्बू की मौत के बाद जो उसका दुकान था वो अलादीन संभालने लगा। अलादीन जब दुकान में बोर होता था तो वो अपने बंदर के साथ मस्ती करता था, और वो अपने बंदर को भी अब्बू ही बुलाता था। कुछ दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा, लेकिन एक दिन एक जादूगर आया और अलादीन को कुछ पैसे दिया, और उसने बोला कि एक जंगल में एक चिराग है, वो तो मुझे लाकर दे दो। अलादीन ने सोचा पैसे कमाने का अच्छा मौका है, मैं उसे चिराग लाकर दे देता हूँ। तो वो निकल गया चिराग लेने के लिए, और उसे रास्ते में एक रिंग मिली, और वो कुछ दूर चलता रहा। रास्ता बहुत ज्यादा टफ था, उसके बाद उसे वो चिराग भी मिल गया। अलादीन ने चिराग तो लाकर उस जादूगर को दे दिया, लेकिन आप लोगों को याद है उसे एक रिंग भी मिली थी। वो रिंग अपने पास रखा था, उसने वो रिंग पहन लिया। कुछ दिन बाद अलादीन को पता चला कि जो उसने चिराग जादूगर को दिया था उससे एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर जिन निकला, जो हर ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था, कुछ भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। एक दिन वो अपनी दुकान में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते ऐसा ऐसा कर रहा था तो उसकी जो अंगूठी पहनी थी हाथ में, वो अंगूठी घिस गई, और उसके अंदर से एक जिन बाहर निकला। वो जिन चिराग वाले जिन इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन तो भी काफी ताकतवर था। वो जिन हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता था, और अलादीन उसको देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने निकलते से ही बहुत ही ज्यादा भारी आवाज में बोला, क्या हुक्म मेरे आका। उस जिन ने बोला कि मैं आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो अलादीन ने सोचा अच्छा मौका है, मैं इससे बोल देता हूँ कि तुम मुझे वो चिराग वाला जिन लाकर दे दो। उसने बोला कि तुम मुझे वो चिराग लाकर दो जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वाला जिन है। उसने अलादीन को मना करते हुए ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होता तो हर जिन का एक ही मालिक होता। लेकिन उस जिन ने बोला कि मैं तो तुम्हें उस चिराग तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि जब मैं तुम्हें उस चिराग तक पहुंचाऊंगा तुम मुझे आजाद कर दोगे। तो अलादीन ने तुरंत हाँ कर दिया, और फिर क्या था, उस जिन ने अलादीन को उस चिराग तक पहुंचाया, और फिर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। और उसके बाद अलादीन इराक और बगदाद का बहुत ज्यादा रईस आदमी बन गया, और कुछ समय बाद उसकी एक राजकुमारी से शादी हो गई, जिस राजकुमारी का नाम था जैस्मीन। अलादीन बहुत ही आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा था। जो उसका चिराग वाला जिन था उसे वो अपने भाई की तरह मानता था। कुछ सालों बाद अलादीन का भी जाने का समय हो गया था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था। अपने मरने के कुछ ही दिनों पहले उसने अपने जिन को आखिरी हुक्म दिया। उसने बोला कि मेरे मरने से पहले तुम एक पहाड़ी पर जाओ इस चिराग को लेकर, और दफन हो जाओ, ताकि तुम्हारी इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जिन ने भी ऐसा ही किया। माना ये जाता है कि उस जिन ने अपने चिराग के साथ तंजानिया के पहाड़ियों में खुद को दफन कर लिया, और उसके बाद से ही उन पहाड़ियों को स्वर्ग का रास्ता भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई इंसान मरता है तो उसे ईश्वर के पास एक जिन ही लेकर जाता है। बहुत लोग ये भी मानते हैं और सोचते हैं कि जो अलादीन का चिराग था और जो जिन था आज भी उन पहाड़ियों में है, और बहुत लोगों ने चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। पता नहीं इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये पूरी की पूरी कहानी सच है। आप लोग क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वैसे लोगों के साथ जिन लोगों को ऐसी कहानियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है,
शायद उनकी वजह से इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। अगर आप लोग के माइंड में कोई भी स्टोरी आती है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चलो फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।